गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार रॉल्स रॉयस को 1998 में खरीदने के लिए बोली लगाई गई थी, और इसको खरीदने के सबसे तगड़े दावेदार थे बीएमडब्ल्यू और वॉल्क्स वैगन। अब बीएमडब्ल्यू ने थोड़ी कम बोली लगाई थी और वॉल्क्स वैगन ने ज़्यादा बोली लगाई थी, तो जाहिर है रॉल्स रॉयस किसको मिलनी थी, वॉल्क्स वैगन को। लेकिन तब बीएमडब्ल्यू रॉल्स रॉयस के ज़्यादातर पार्ट्स बनाया करता था, और यहीं से आता है ट्विस्ट, और बीएमडब्ल्यू ने रॉल्स रॉयस के पार्ट्स बनाने से मना कर दिए, और सिर्फ इसी वजह से रॉल्स रॉयस को वॉल्क्स वैगन ने बीएमडब्ल्यू को बेच दिया। अब ऐसा इसलिए नहीं था कि वॉल्क्स वैगन पार्ट्स बना नहीं सकती थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉल्स रॉयस वॉल्क्स वैगन के लिए बिल्कुल ही एक न्यू कार थी, जिसके लिए पार्ट्स बनाने में उसे समय लगता और नुकसान भी होता। तो गाइज, अगर आप वॉल्क्स वैगन की जगह रहते तो क्या करते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।